जनादेश में हम आज राजसमंद जिले की भी प्रमुखता से बात करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ की भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण और चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जनादेश राजसमंद, आज जनादेश में चर्चा करेंगे भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की। भीम विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,30,709 मतदाता हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत ने भाजपा के हरि सिंह चौहान को हराया था। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कुल 2,26,422 मतदाता हैं। 2018 में इस सीट पर भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के गणेश सिंह परमार को हराया था। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,32,118 मतदाता हैं। 2018 में भाजपा की किरण माहेश्वरी ने कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी को हराया था। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,38,529 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के महेश प्रताप सिंह को हराया था। भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो क्षेत्रवासियों में पर्यटन, मार्बल मंडी नहीं होने के साथ ही पेयजल की समस्या मुख्य है। नाथद्वारा में श्रीनाथ कॉरिडोर के विकास और दरीबा सिल्वर स्मेल्टर यूनिट की क्षेत्रवासियों ने जरूरत बताई। राजसमंद के व्यापारियों ने मार्बल मंडी बनाने की बात कही है। कुंभलगढ़ के आमेट कस्बे में पेयजल की मुख्य समस्या है। कुंभलगढ़ में बेड़च का नाका परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। भीम में ग्रेनाइट खनन प्रोसेसिंग यूनिट कम होने के कारण कच्चे माल को बाहर ले जाना पड़ता है। यहां औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब यहां पर बहुत सी मांगे पूरी भी हुई है और बहुत सी बाकी भी है। तो जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो एक तो क्या जैसे मार्बल मंडी नहीं है इधर, मतलब 20-25 साल से ये मांग है कि मार्बल मंडी होनी चाहिए। और दूसरा एजुकेशन के मामले में अपना ये पिछड़ा हुआ राज्य मतलब जिला है, इसके जिले शिक्षा के केंद्र में भी कोई विशेष कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो मैं ये चाहता हूँ भाई थोड़ा शिक्षा में जो भी आगामी जो विधायक जो बनते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें। अभी पिछड़ा हुआ है, जैसे कि विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जयपुर भी जाना पड़ता है, कोटा और दिल्ली, बहुत से ऐसे हैं जो मतलब यहाँ से बाहर जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का एक सवाल है समस्याओं को लेकर के। तो समस्या तो यहाँ पर मूलभूत समस्याएं तो कई ऐसी हैं जिनका कभी किसी जनप्रतिनिधि ने पूरा करने का विचार तक नहीं बनाया और न ही उन्होंने कोई प्रयास किया डेवलप करने के लिए, लोगों को उसके मार्बल में अधिक सुविधा मिल पाए ऐसे उनको तकनीकी एक सेंटर या मृतकों ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था जहाँ मार्बल के तकनीकी भूविज्ञानिक ऐसे यहाँ बैठते, मार्बल व्यवसायों को अलग से नई नई तकनीक का ज्ञान देते, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हो पाया है।